अरे बाबा राहुल, अच्छा है तेरा धंधा चल रहा है। थैंक यू सर। अरे मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। एनीथिंग मोर सर? बड़ी तेरे को कितनी बार बोला है कि चाय के साथ थोड़ा बिस्कुट बिस्कुट चिवड़ा ले आया कर, चल जा यहां से। ओके सर। बड़ी राहुल, तेरे को मालूम है ये आदमी जो चाय दे के गया है ये कौन होता था? अरे बाबा, ये तेरे जैसे गारमेंट फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था और मैं उसके यहां नौकर हुआ करता था, मगर इसको धंधा करना नहीं आया और आज मेरे यहां नौकर है। बाबा, धंधों में चाय, जो मौका हाथ में आवे ना उसे जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हालत ऐसी हो जाती है। सर, मैं आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूं। यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। अब देखिए ना, आप ही की मदद से मेरी फैक्ट्री फिर से चल रही है। राहुल बड़ी, आज तेरा दिन बहुत अच्छा है। पूछो कैसे? कैसे? हाँ, अभी देखो बाबा, मैं झूले लाल की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तेरे को बर्बाद करने वाला था, तेरे को फुटपाथ पे लाने वाला था, मगर मैंने किया नहीं। सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो तू उस दिन गया यहां से और मेरी बेटी आ गई। बेटी? अरे हाँ, अम्मा आया, मुंजी इकलौती बेटी। बड़ी, उसने मुझे बताया है कि तुम दोनों पुराने दोस्त हो। अरे बाबा, दोस्ती का मतलब तो मैं भी जानता हूँ, मैंने इतने साल पापड़ थोड़ी बेले हैं। बड़ी, दोस्ती का मतलब ये हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, चाहते हो। नी ये सच है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरे बाबा, शर्माता क्यों है? बड़ी, मुख्य अपनी बेटी की पसंद मंजूर आए। चलो इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं। अगले संडे तुम्हारी सगाई करवा देता हूँ, चलो हाथ मिलाओ। ये बड़ी, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तूने देखा है वो जो चाय देकर गया था? अरे बाबा राहुल, जब मार्केट में मालूम पड़ेगा कि तू मेरा जवाई है, तेरे को लोग काम देंगे, मुआ तेरी तो जिंदगी बन जाएगी। और मालूम है क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि बिदनानी सेठ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मगर वैजयंती का क्या होगा? वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करता हूं, क्या ये सच नहीं? हां शायद, मगर मैंने उसे कोई वादा नहीं किया है, मैंने उसे कुछ कहा तक नहीं। और इस वक्त मुझे अपने बारे में नहीं, बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और उनकी खुशी और भविष्य के लिए मैं माया से शादी कर लूं, यही ठीक रहेगा। सुनिए, अभी तक सोए नहीं, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं। शुगर डार्लिंग? नहीं कुछ नहीं। देखो माया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब जो हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मेरी स्वर्गवासी बहन के 3 बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, और जो लड़की मुझसे शादी करेगी उसे भी उतना ही प्यार देना पड़ेगा उन बच्चों को जितना कि मैं देता हूं। ऑफ कोर्स डार्लिंग, जो भी तुम्हें प्यारा है वो मुझे भी प्यारा होगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस। हाँ, तो आज शाम तुम घर आ जाना और बच्चों से मिल लेना। शो 8 बजे आ जाऊं?
ये तो बताइए मामा जी, कौन आने वाला है? देखो तुम लोग मेहमान के सामने ठीक से रहना। हाय हाय बच्चों, ये है माया। माया ये है विकी। हाय ये है मुन्नी। हाय और ये है सनी। हाय और ये कौन है राहुल, इनसे भी मिलाओ। माया ये वैजंती है, वैजंती ये माया। नमस्ते। नमस्ते। ये यहाँ वैजंती बच्चों की गवर्नेस है। गवर्नेस? ओह, ये कहो ना यहाँ की नौकरानी है। ये नौकरानी नहीं है, ये हमारी दीदी है। मुझे जरा भूख लगी है, खाना खा लें? अरे वाह, तुम्हारी नौकरानी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। होटल से मंगवाया है मैंने। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करती हो? वो हमें अच्छी लगती है ना, इसलिए वो हमारे साथ रहती है। और जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे इस घर में नहीं रहने देते। क्यों विक्की? सनी, तुमसे कितनी दफा कहा है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते, चलो खाना खाओ। लेकिन राहुल, शादी के बाद तो हमें खाना पकाने वाला रखना पड़ेगा ना। हाँ, मैं बताने वाला था कि मेरी माया के साथ मंगनी होने वाली है और फिर शादी। अरे बेटी, तेरा डिनर कैसा था? डिनर तो अच्छा था पापा, लेकिन राहुल के साथ उसकी बहन के 3 बच्चे भी रहते हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगे। मैं क्या शादी के बाद उस भीड़भाड़ में रहूंगी? अरे बाबा, फिक्र क्यों करती है, पहले शादी तो कर, उसके बाद 3 बच्चों को हॉस्टल भेज देंगे। हाँ पापा, ऐसा जरूर करना, वरना मैं वहां बहुत बोर हो जाऊंगी। अरे तू फिक्र मत कर, तेरा पापा है नी। चल ले पापड़ खा, पापड़ खा बेटी। वेरी गुड। लाओ छोड़ो, मुझे दो। नहीं नहीं ठीक है। नाराज होना मुझसे? हाँ नहीं। मैं जानता हूं मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था माया के बारे में। क्यों, मुझे बताने की क्या जरूरत है? मैं तो नौकरानी हूं ना घर की। मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर से आऊंगा। बच्चों को खाना खिला देना, घर की चाबी। पूछोगी नहीं मैं कहां जा रहा हूं? कहां? आज मेरी मंगनी है माया के साथ, वहीं जा रहा हूं मैं।
तो रो रही है। आप क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो आप? तुम्हें से क्या? जाओ यहाँ से। क्यों जाए हम यहाँ से? जब कभी हम रोते थे तो आप हमें चुप कराती थी, और अब जब आप रो रही है तो आप कहते हैं कि हमें इससे क्या। तुम्हारे मामा मामा की सगाई हो रही है। ए विकी, सगाई क्या होता है? डफर, सगाई का मतलब मामा जी की शादी हो रही है किसी से। तो मामा जी की शादी हो रही है ना, ये क्यों रो रही है? क्योंकि ये मामा जी से प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, उनकी सगाई अभी हो रही है, अभी अभी।